करना पार्टी हाई कमान ने भी कहा आ सके जाना, सभी लोग कल रात को पहुंच गए। आज हम लोग पहुंचे तो बड़ा हृदय विदारक घटना है, और इतने लोग मारे जाना, 135 ज्यादा फिगर तो ऑफिशियली है, और इतना और भी लोग मारे गए होंगे। तो घायलों से हम लोग मिले, दासन का माँ पे प्रार्थना हो रही, वहाँ भी हम लोग गए, ऑन द स्पॉट भी देखा। तो पूरा जो है 5 दिन पहले वो प्रारंभ हुआ था, और किस लेवल पे लापरवाही हुई है ये जांच का विषय है। तो हमने कहा भाई, आप हाईकोर्ट के जज से होंगे, पब्लिक भी आएगी, टेस्टिंग गवाह भी आएंगे, बैकग्राउंड में जो लोग थे रिनोवेशन करने वाले वो भी आएंगे, सब अपनी बात करेंगे, सबके सामने आएगी, तो दोषी होंगे, सजा मिल पाए। जब तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सरकार पर, क्या ये सही निर्णय किया। अभी सरकार ने जो कमेटी बनाई वहाँ पर 2-3 अधिकारियों की, उससे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जनता ने बहुत, जो लोकल लोग थे वहाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बचाने का, क्योंकि टीमें बाद में आई थी जो बचाने की, एसडीआरएफ वगैरह। लोकल लोग जो है, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सभी लोगों ने जो है तत्काल वो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उससे भी कई लोग बचे, घायल भी हुए, जिनको भेजा गया अस्पताल। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इमीडिएट जरूरत इस बात की है कि घायलों को तो पूरा इलाज मिले, जो मंजिल क्या है, मास्टर क्या है, और दूसरा मृतक जो है उनके परिवारों को इस प्रकार के मुआवजा मिले, क्योंकि पूरे घर उजड़ गए हैं, वहाँ पर उजड़ गए हैं। कई लोग तो परिवार 2-3 दिन चाहे में चले गए, तो उनको सीएम रिलीफ फंड है, या पीएम रिलीफ फंड है, पीएम केयर फंड है, पैसे की कमी नहीं है, तो उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तो 30 लाख की मांग की है पीसीसी ने, पर 30 लाख या 50 लाख की बात नहीं, वो पर्याप्त मुआवजा दे वहाँ पर। मैं समझता हूँ अभी इन बातों में पढ़ने की बजाय कैसे हम लोग घायलों का इलाज टाइम पे हों और जांच के लिए लगाना। सर, मानगढ़ बात की जानकारी है, क्योंकि बड़ा लगातार हम लोगों ने दवा बनाया भी है। प्रधानमंत्री ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश साथ में, तो राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तरफ किस तरह आगे बढ़े हैं, इस बात का हमें संतोष है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो इसके ऊपर जरूर वो कुछ घोषणा करेंगे, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने उनको ऑफर किया कि जो जमीन वगैरह है उसमें हमने ऑफर की है, और अधिक आवश्यकता होगी तो और दे देंगे। तो अच्छा स्मारक बने, क्योंकि आदिवासियों की जो सरवाइव है वो लोगों के ध्यान में नहीं है, पता ही नहीं लोगों को। फ्रीडम मूवमेंट की बात होती है, सब बात होती है, पर आदिवासियों ने 1913 के अंदर, अगर 1500 फिगर तो हैं, क्या उस जमाने के अंदर गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन हो, फिर फायरिंग हो, इतने लोग मारे जाए, और 10 साल तक लगभग शायद वो जेल में रहे गोविंद गुरु, इतनी बड़ी घटना है, तो वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो जले वाला वाज है उसकी चर्चा होती है, मानगढ़ी चर्चा नहीं होती है। इसलिए हमने 22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने पहली बार वहाँ पर स्मारक बनाया है। उसके बाद में मूर्ति भी लगी पिछली गवर्नमेंट वक्त, तो अब राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, तो मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्रीय स्तर मालूम पड़े आदिवासी समाज ने भी कमी नहीं रखी उस जमाने के अंदर देश को आज़ाद करवाने के लिए गुलामी की जंजीरों से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्मारक बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। कि उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जरूर वो इसकी घोषणा करते सर, एक सवाल ये है, चुनाव में तो जैसे डेमोक्रेसी है तो हर पार्टी लाभ बढ़ाना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी हो सकता है कि चुनाव चल रहे हैं गुजरात के अंदर भी, वो भी दबाव उनके ऊपर होगा तो अच्छी बात ही है।
सभा में कोई काम अच्छा हो जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सभा में भी काम अच्छे होते तो उभरा नहीं है, मेरा मानना है। हम मैंने से धाम के अंदर 110 करोड़ की लागत से कोई भी बना रहे हैं, वहाँ आदिवासियों का उचित स्थल है, बहुत ही लाखों लोग आते हैं सुविधा के लिए, नदी बहती है, तकलीफ पाते लोग बाग, तो हमारी सरकार ने आदिवासियों की कोई कमी नहीं रखी। हम लोग गुरु गोविंद गुरु के नाम से हमने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया है, तो वो आज चल रहा है। पहले उदयपुर में था, वो शिफ्ट हो गया वहाँ बासड़ा। मेरी जो मानना थी कि उदयपुर में रहना चाहिए, जिससे कि आदिवासी बच्चों बच्चों के साथ में दूसरे बच्चे भी साथ होते, इंटरेक्शन होता उनका आपस के अंदर, और ज़्यादा उनकी पर्सनल निखार होता। और हमारी गवर्नमेंट बदल गई थी, सरकार बदलने के बाद में कई मौके बदल जाते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पर अधिकांश जो योजना बनी है आदिवासियों के लिए, कुछ आदिवासी समाज बहुत पसंद है। यूपी गवर्नमेंट में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो वनों का अधिकार दिया है, उससे आदिवासी बहुत खुश हैं। तो काम बहुत सारे हो गए राजस्थान के अंदर, आगे भी कोई कमी नहीं रखी। नई पार्टी है, वो कई दावे कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी गलत ही है, इसको तो वहाँ गुजरात वासियों को अलाउ नहीं करना चाहिए अंदर घुसना, क्योंकि महात्मा गांधी की जो विरासत है देश को, देश इस रूप में महात्मा गांधी ने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए सब कुछ किया, कुछ महात्मा गांधी की फोटो हटा दी उन्होंने अपने पोस्ट में से, खाली शहीद भगत सिंह जी की और डॉक्टर अम्बेडकर की रखी जानबूझ कर। तो वो क्या चाहते हैं, अगर महात्मा गांधी जिनकी रहनुमाई के अंदर पूरा आंदोलन चला हो देश का, दुनिया इस देश को महात्मा गांधी के देश के नाम से जानती है, और मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में, वहाँ लोग कहते हैं गांधी के देश से आए हैं, गांधी को आप कैसे हटा सकते हो। पर ये दुस्साहस कर रहे हैं इस प्रकार से, वहाँ लोग गुमराह कर रहे हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, उनमें कोई दम नहीं है। हमारी घोषणा देखिए राजस्थान सरकार की, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, छात्रों के लिए, युवाओं के अंदर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर जो मार्केटिंग करते हैं मीडिया के माध्यम से, आप देखते हो कि मीडिया में बीजेपी दबाव के अंदर मीडिया को रखती है, और केजरीवाल जी पैकेज दे के रखती है, इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, और छाए रहते हैं। काम हम करते हैं, मार्केटिंग वो करते हैं, काम तो जनता भी समझ जाएगी। राहुल गांधी की जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, बहुत शानदार यात्रा चल रही है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ कि आप सोच सकते हैं कि हर एक बस की बात भी नहीं, चल भी रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। देश में जो समस्याएं हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, उसको जोर शोर से उठा भी रहे हैं, और एक संदेश दे रहे हैं कि जो देश में लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, संविधान के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर देश चलना चाहिए, बजाय कि आप ध्वजा उड़ा रहे हो संविधान की, आप लोकतंत्र कमजोर कर रहे हो, और साहित्यकारों को पत्रकारों को आप जेल भेज रहे हो। कोई ऐसा भी व्यक्त कर दे वो आपके दुश्मन है, जबकि लोकतंत्र में तो पक्ष होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, आलोचना भी होती है। अगर जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुर्दाबाद लग सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इसको तो मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष का सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र का, पर ये तो फासिस्ट लोग हैं, इनके दिमाग में लोकतंत्र खाली चुनाव जीतने का साधन है, रखा है मुकोटा पहन रखा है। धीरे धीरे पोल खुल रही लोगों की, और आप देखेंगे धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि ये खाली धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करें, वो चलने वाले नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।